परमात्मा उसनों समय ने नहीं बनाया, परमात्मा ने समय नो बनाया। काल ने अकाल नो नहीं बनाया, अकाल ने काल नो बनाया। इस वास्ते कहने ने उस परमात्मा दी दुनिया समा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। हैरानगी हो सकती है कईयां नू, समा ही नहीं है, वक्त भी नहीं है। है घड़ी जो दीवारां ते टंगी है, थोड़े हाथ ते बनी हुई है, ठीक है, इस तो तुसी वक्त दा अंदाजा लांदे हो। धुप छाँव तो लोग दिन दे समय दा अंदाजा लांदे सन, पहला पैर हो गया, दूजा, तीजा, चौथा। रात नू सपत ऋषियां नू वेख के रात दा अंदाजा लांदे सन, हुण पहली पैर लंघ गया, हुण दूजा पैर लंघ गया, हुण तीजा पैर रात दा लंघ गया। लेकिन प्रभु ने साडे अंदर भी एक घड़ी बना दिती है, सानू बिल्कुल सही समा ओही दसदी है, सही वक्त ओ घड़ी दसदी है। ये भी मैं अर्ज करता, तुसीं आखोगे अंदर घड़ी लटका के रखी है, प्रभु ने वाकई अंदर हर एक दे घड़ी बनाई। मनुख बेचैन बैठा है, परेशान बैठा है, दुख दे च बैठा है या पीड़ा दे च बैठा है, ये पीड़ा चाहे शरीरक होवे ते चाहे मानसिक होवे, एक मिनट इंज लंघदा जिवें एक घंटा। पीड़ा दे च, दर्द दे च, दुख दे च, बेचैनी दे च, परेशानी दे च, बेरसी दे च, एक घंटा इंज लंघदा है जिवें एक पूरा दिन होवे। कई दफा एक दिन इंज लंघदा है जिवें एक साल हो गया। दुख दे च समा बहुत लंबा हो जाता है। दूर क्यों जाओ, महान संत दरवेश बाबा फरीद कह रहे ने, फरीदा राती वड्डी, क्यों क्यों वड्डी हो गई है रात? दुख दुख उठन दुखना है, औके ने औके विछोड़े च निकलते हैं। परिवार का विछोड़ा, धन संपदा का विछोड़ा, वतना का विछोड़ा, सेहत का विछोड़ा, माण मर्यादा का विछोड़ा या परमात्मा का विछोड़ा। जिसकी अत्यंत लोड़ है, जिस नाल अत्यंत प्यार है, उहदा विछोड़ा तड़पाएगा, औके निकलणगे। तो फरीद के अंदरों जे औके निकलते ने होरां दे विछोड़े, ओके रात वड्डी हो गई। परमात्मा दे विछोड़े च समा कितना लंबा हो गया, क्योंकि सिर्फ उन्होंने लंबा ही गया है, पर कितना क लंबा होंदा है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते। चार पहर चौ जुगे समान है, हे प्रभु तेरे विछोड़े दी पीड़ा दे दिन दे चार पहर चार युगां वर्गे ने, लखां सालां वर्गे ने, नहीं लगते, नहीं लगते। उदां दा गल कि कोई कवि की कल्पना ना सही, यथार्थ। दुख दे समा लंबा हो जाता है, पीड़ा दे समा लंबा हो जाता है। महाराज कहते हैं कि घड़ी दिनस मोको बहुत दयाल, दिन रात दियाँ 60 घड़ियाँ होंदिया ने। महाराज कहते एक घड़ी कई दिन वर्गी नहीं लगती, दुख दे समा लंबा हो जाता है, पीड़ा दे समा लंबा हो जाता है। इंज लंघदा है एक दिन जिवें साल, कई साल लंघदा ही नहीं। जितनी भयंकर पीड़ा उतना ही समा लंबा। कहिंदे ने रोण वाली रात कित्थे लंघदी है, लंघदी ही नहीं। ऐसे एक दो घरां दा मैनूं अनुभव है, मौत हो गई सी, रोंदे होया घर दे मुखिए नूं मैनूं कहा कि रात लंघे भी सही, कमबख्ती लंघदी भी है कि नहीं। रोंदिया रोंदिया ते रात लंबी होवेगी, दुख दे समा लंबा हो जाता, पीड़ा दे समा लंबा हो जाता है। हुण इस तों उल्ट समझ लेना, सुख दे समा छोटा हो जाता, रस दे समा छोटा हो जाता है,
आनंद दे समा छोटा हो जाता है, बंदा कहिंदा ले घंटा इंज लंघ गया जिवें एक मिनट, अज दा दिन इंज लंघ गया जिवें एक घंटा, सुख दे समा छोटा हो जाता है। कदी कदी समा रहिंदा भी नहीं, उन्हों कहिंदे ने अकाल। किसी कोल कीर्तन सुन रहे सी, किसी कोल नज़म कविता सुन रहे सी, कोई नृत्य देख रहा सी मनुख, तो बंदा कह देंदा उन्हें तो समय नू बन के रख दिता, समा चलिया ही नहीं, घंटा इंज लंघे जिवें एक सैकेंड। सुख दे समा छोटा हो जाता है। एक दिन रस दे आनंद दिन इंज लंघ जाता है जिवें एक मिनट, सुख दे समा छोटा हो जाता है। कि होया हाथ दे उत्ते बनी हुई घड़ी कुछ और दसदी पई है, समा छोटा हो जाता। आनंद दे समा खो जाता है, समा रहिंदा ही नहीं, समाधि दे समा नहीं आता। इन्हों ऐलानिया कह रहे ने भगत कबीर, दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा। समय नू किस तरह नापदे हैं, दिन करके रात करके। कबीर कहिंदे ना आपां उस दुनिया च पहुँच गए हैं, दिन रात है ही कोई नहीं, गल खत्म। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नरतिसे दया वो बावरिया संसारा। उसका चिंतन करो जो अकाल है, काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। काल ने उसनु नहीं बनाया, उस अकाल ने काल नु बनाया है। काल भी एक दिन मिट जाएगा, समा भी एक दिन मिट जाएगा। किवें मिट जाएगा? जिस दिन सूरज मिट गए समा मिट जाएगा। तुसी आगो के सूरज मिट जाएगा, जिवें रोज़ रोज़ असी घटते पाया ना, रोज़ रोज़ सूरज भी घट रहा है। सुन लो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का बोल, श्लोक संस्कृति मल्ला पंजवा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। घट रहे है ससी, घट रहे है रवि, ससी चंद्रमा, रवि सूरज। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। घट रहे है सूरज, एक सैकंड दे मेरे पढ़न दे आया दिन मान। साइंस का एक मैगजीन है, मंथली छपदा इंडिया च, मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया। भी एक सैकंड दे 40 लख टन वजन सूरज का घट रहा है। पृथ्वी नालों तो अनंत गुणा वड्डा है ना, 40 लख टन वजन इहदा एक सैकंड दे घट रहा है। क्यों? ये ब्रह्मंड दे जो अपनी किरणा दे राही शक्ति सुट रहा है, उहदे नाल घट रहा है। जे घट रहा है तो मिट जाएगा एक दिन, मिट जाएगा, घटना तो मिटा देगा। रोज़ रोज़ असी घट रहे हैं, ये लफ्ज़ सानू चंगा नहीं लगता, इस वास्ते हर एक तो सुन के खुश होंदे हैं, वड्डे हो रहे हैं, वड्डे हो रहे हैं, वड्डे नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। सूरज तक छोटा हो रहा है, तू की वड्डा होएगा, किस तरह वड्डा होएगा? सूरज भी छोटा हो रहा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग। सूरज दे मिटद ब्रह्मंड मिट जाता है, परले हो जाता, उहदी भी उम्र है। चलो अरबां खरबां साल सही, मिटद्या मिटद्या इतना समा लांदा होएगा पर मिटदा है। ऐसे भी जीव ने जिन्हां दी जिंदगी एक दिन दी है, इस तो ज़्यादा नहीं जीवदे। कुछ कीड़े मकौड़े मच्छर एक दिन तो ज़्यादा नहीं जीवदे, कुछ जरम, कुछ दो दिन, कुछ एक महीना, कोई एक दो साल। मनुख दी उस उम्र चलो 100 साल ला लईए, आखिर तो मिट जाएगा। बनस्पति दे च इस तो भी ज़्यादा है। 2500 साल दा बोर्ड दा दरख्त गया दे च खड़ा है, जिदे थले बैठ के महात्मा बुद्ध नू ज्ञान होया सी। सुल्तानपुर दे चो बेरी मौजूद है, भावें बुढ़ी हो गई है, जिदे थले बैठ के धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ये महामंत्र उच्चारण किया सी। मूल
जिदे थले बैठ के बाबा बुढ़ा जी सरोवर की सेवा कराते रहे बेरी से मौजूद है। इस तो पता चलता है बनस्पति मनुख नालों ज्यादा उम्र रखती है, ज्यादा जीवदियां। कुछ दरख्तों की उम्र ज्यादा है, भावें बिरद हो गई ना, भावें थंबिया नाल वो बोर्ड के दरख्त न जो है खड़ा किया हो गया दे, वो खंभे हटा दें तो डेडेरी हो जाएगा। जिमें बुढ़ा लाठी के आसरे से चलता है, हूँ बेरी न भी लाठी की लोड़ है, बिरद हो गई, बुढ़ी हो गई, सब कुछ मिटद। ये भी मैं अर्ज कर रहा, क्योंकि सब कुछ की उम्र है, सब कुछ मिटद क्योंकि सब कुछ घट रहा है। बनन तो बाद घटना शुरू हो जाता है, बन गया हूँ रोज़ रोज़ घटना शुरू हो गएगा, सब कुछ घटता है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस ने खत्र गगन, समय दे जो बने है मिट जाएगा। परमात्मा समय नु बनाने वाला है, जिस दिन उदे हुक्म तो उदे शब्द तो सूरजां दा जन्म होया समय दा जन्म होया, समय दा जन्म निराकार तो होया, निराकार अकाल है, काल नहीं है। फिर काल में सब कुछ पैदा हो रहा है, समय जो कुछ पैदा हो रहा है समा खा जाएगा। महाराज कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, शरीर चाहे अवतार दा है, देवी देवते दा है, समा खा जाएगा। काल पाए ब्रह्मांब अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रगासा, सकल काल का क्यों तमाशा। उदे काल नहीं है, पर किधरे कोई ये ना समझ रहे कल्पना मात्र है, नहीं साहब के अंदर मूर्त मूर्ति मान है ते मूर्त। तो किधरे ख्याल ये ना आ जाए किसी ने बनाया होगा, किसी तो जन्मया होगा, फिर सतगुरु कहते हैं अजो नहीं, जन्म नहीं हो जाओ, किसी तो जन्मया नहीं। फिर किस तरह है सहबंग, पूरा संस्कृत का शब्द इस तरह है स्वयंभू, छोटा रूप शंभू, पूरा रूप स्वयंभू, पंजाबी रूप सहबंग। स्वयंभू अपने आप तो स्वयं तो बने है, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो, उसकी साजना किसी ने नहीं की थी, उन्हें अपनी साजना आप की थी। वो आप ही अपने आप को फैलांदा है, संकोचता है। जब उद कर करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आ कर कर तो हो कब हो, तुम में मिलत दे दर सब। सहभंग है, फिर साहब कहते ने वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तुआर है। ज्ञान किसी की मलकियत नहीं है, कला किसी की मलकियत नहीं। तो सर्व कला का ज्ञाता, हर तरह की कला का वह ज्ञानी है। जिहड़ा उस नाल जुड़दा है, जिहड़ा उसनों याद करदा, उहदे अंदर कला फुटदी है, वो कलाकार बनदा है। इस वास्ते साडे देश दे उत्ते अवतारां नूं भी नापण दा ढंग सी, ये कितना वड्डा अवतार है, इहदे अंदर कला कितनी है। इहदे अंदर चार कला है, इहदे अंदर दस कला है। कहिंदे ने श्री राम दे अंदर 14 कला सन, कृष्ण दे अंदर 16। इस वास्ते हिंदू जगत राम नालों कृष्ण नूं वड्डा मनदा है।